अर्ज किया है जनाब। दूर से देखा तो खूबसूरत चमचमाती स्किन नजर आई, लेकिन मेकअप उतार कर पास जाकर देखा तो ओपन पोर्स नजर आए। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। जी हाँ दोस्तों, एक्टर भले ही अपने मेकअप के पीछे कुछ भी खामियां छुपा लें, लेकिन इस मेकअप को हटाने के बाद की जो सच्चाई है उसे हम छुपा नहीं सकते, बिकॉज वी हैव टू लिव विद आवर स्किन एंड दैट ट्रूथ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गरिमा गोयल, मैं एक एक्टर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गरिमाज गुड लाइफ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस फॉर ऑल माय न्यू वीडियोस, और अगर वीडियो पसंद आते हैं टू हिट द लाइक बटन। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट गाइस। एक्टर्स को जनरली 14-14 घंटे मेकअप लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। रिसेंटली मैंने देखा कि मुझे अपने स्किन पे कुछ अजीब से पोर्स नज़र आ रहे थे। थोड़ा और मैग्नीफाई करके देखा तो समझ में आया कि मुझे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, और ये मेकअप के नीचे भी कई बार नज़र आते हैं, तो इन्हें छुपाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट देम। तो मैंने अपनी कज़न, मेरी बहन है दिल्ली में, प्रियंका गुप्ता, डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, शी इज़ अ स्किन कंसल्टेंट, मैंने उसको कॉल किया और उसने मुझे समझाया कि ये प्रॉब्लम मुझे एक्चुअली शुरू क्यों हुई एंड हाउ आई बी एबल टू ट्रीट इट। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है, आप जानना चाहते हैं मैं क्या ट्रीटमेंट कर रही हूँ, वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन आप लोगों को भी समझाए कि पोर्स होते क्या हैं, वो एनलार्ज क्यों होते हैं एंड क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। ओवर टू यू पंकु दी। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, अ प्रैक्टिसिंग एस्थेटिशियन इन गुड़गांव। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी ऑल नो दैट देर आर पोर्स इन द स्किन विच आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई, लेकिन व्हेन दे एनलार्ज एंड दे बिकम प्रोमिनेंट दे आर कॉल्ड ओपन पोर्स। नॉर्मली दे आर नॉट ऑफ मेडिकल कंसर्न, बट कॉस्मेटिकली येस, they give our skin a dull appearance and it is more prone to blackheads, whiteheads and acne. So let me just tell you what are the probable causes for open pores. सबसे पहले oily skin naturally भी हो सकती है, या फिर अगर हम कोई oily moisturizer या फिर oily makeup use करें, then those oils collect into our pores, mix up with the dirt and sebum and leads to swelling of the pores. उससे वो एनलार्ज लगते हैं एंड हेंस दे बिकम प्रोमिनेंट। सेकेंडली, देर आर सर्टेन हार्मोनल चेंजेस इन वुमेन विच ऑल्सो लीड टू एक्सेसिव ऑयल सिक्रीशन इन द पोर्स एंड हेंस उससे भी हमारे पोर्स बड़े लगते हैं, प्रोमिनेंट लगते हैं। थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन्स इज सन डैमेज। सन डैमेज से हमारा स्किन थिकन हो जाता है, कोलाजन गेट्स डीजेनरेटेड एंड इट स्ट्रेचेज द एजेस ऑफ द पोर्स विच एनलार्ज इट एंड अगेन दे बिकम वेरी वेरी प्रोमिनेंट। ऑल्सो फ्रेंड्स, एजिंग, डिहाइड्रेटेड डल स्किन, जेनेटिक्स एंड द जेंडर, वेयर मैन हैव मोर कॉमन ओपन पोर्स एज कम्पेयर टू वेमेन। आई होप ऑल दिस इज हेल्प टू यू। थैंक यू गरिमा, एंड ओवर टू यू। थैंक यू माई लवली सिस्टर। वैसे मैं अपनी बहन को और आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी कुछ हैबिट्स जो हैं उन्हें इमिजिएटली चेंज कर दिया है। वन इज नॉट यूजिंग एनी ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर, मैं अब सिर्फ वाटर बेस्ड यूज़ करती हूँ। मेरा मेकअप, पहले हमारी इंडस्ट्री में जॉनसन बेबी ऑयल से लोग बहुत ज़्यादा मेकअप रिमूव करते थे, आई नेवर यूज़ एन ऑयल ऑन माई फेस, मैं वाटर बेस्ड क्लेंजर से ही अपना फेस साफ करती हूँ। एक्सफोलिएशन पहले मैं काफ़ी किया करती थी, बट माई स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव, इसीलिए मैं अब कम से कम 2 हफ्ते में या यू नो 1.5 वीक में सिर्फ एक बार अपने फेस को एक्सफोलिएट करती हूँ। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आई डू नॉट टच माई फेस एज ऑफन। फ्रेंड्स, अपने ओपन पोर्स को ट्रीट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दिस स्किन परफेक्शन जेल बाय एक्टिव। ये जेल वाटर बेस्ड है और इसके अंदर वाइटामिन सी और वाइटामिन ई है, विच इफेक्टिवली हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द पोर्स। This gel is made with all natural ingredients like turmeric extract, nutmeg extract, tea tree oil, camphor. These ingredients help in sebum regulation and controls bacterial proliferation. So I use this gel twice a day on my face. After washing my face, I just squeeze in a few drops on my palm and with a clean finger, मैं इसे लगाती हूँ open pores वाले area पे।
I keep it for around 2-3 hours and then I wash my face. Good thing is that this is a multi-purpose gel. Of course, मैं पोर्स के ट्रीटमेंट के लिए तो इसे यूज कर ही रही हूँ, साथ ही दिस इज एन एंटी एक्ने ट्रीटमेंट. आपको इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स याद है ना, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं, वो सब दे ऑल टेक केयर ऑफ एक्ने ऑन योर फेस. थोड़ी बहुत टिंगलिंग जैसी सेंसेशन होगी बिकॉज इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उसका वो इफेक्ट होता है, बट नो वरीज, इट विल सेटल डाउन इन अ फ्यू सेकेंड्स और मे बी अ मिनट. इसके सारे इंग्रेडिएंट्स एब्सोल्युटली नेचुरल हैं, सो आप लोग चिंता मत कीजिएगा. इसमें क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट है और एलोवेरा जेल है, जो आपकी स्किन को सूदनिंग के लिए और रिलैक्सिंग के लिए हेल्प करता है. आप इसे एज अ फेस पैक लगा के रात को सो सकते हो. थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी लेनी है, फेस पे मसाज करना और इसे ओवरनाइट छोड़ देना. अगले दिन सुबह जब आप उठोगे, यू माइट वांट टू थैंक मी फॉर दैट. सो फ्रेंड्स, आई रियली फील दैट यू शुड ट्राई दिस मल्टीपर्पज जेल बाय एक्ने. आपको अगर डिटेल्स चाहिए तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी. आई लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स.